नहीं देखा तो क्या देखा? राइड टू हिमाचल के सीरीज के तीसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर कृष्ण ठाकुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे मोटो व्लॉग टूरिज्म। ये अपना अमित लौंडा गजब लगता हो, और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल, थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, सो थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप तो लोगों को दिखाते हैं हिडिंबा टेम्पल। और यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब होते हुए देखिए, इस तरफ देखिए, ये पूरा जो है रोहतांग पास, रोहतांग पास फिलहाल बंद है, जाने की परमिशन नहीं दिए। अमित की हालत देखिए जी, कुछ भी ना हो रही अभी तकरीबन 100-150 मीटर ऊपर चढ़े हैं, बुरा हाल ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा। चारों तरफ दर्शन कर लिए हैं और फोटो शूट भी कंप्लीट हो गया है। देखिए पीछे जरा पेड़ विशालाकार। अभी वापसी चलते हैं होटल को, और आए तो उस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से भी राउंड लगा के चलेंगे, घूमने आए हैं भाई, घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो अभी फिलहाल हमें जी माल रोड पर, अब बैकग्राउंड में देख सकते हो पूरा माल रोड है इधर में। टाइम लैप्स अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। राइट जी, अभी थोड़ा शाम ढलने को है और यहाँ का माहौल बहुत ही बदलने वाला है। फिलहाल हम जी रेस्टोरेंट में और आलू चाट एंड बाबा जोड़ रखे है खाएंगे। बाहर हो गई है कुछ ज़्यादा ठंडी एंड हवा चल रही है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कुछ गर्म गर्म खाने को। अभी बजे हैं जी रात के 9:30 और माल रोड से वापसी जा रहे हैं अपने होटल को। अंधेरा हो गया है, वो चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अभी आ गए हैं अपने रूम में, और ये अपना पार्टनर अमित, यहाँ पर चल रहा है डाटा ट्रांसफर, और यहाँ अपने आ गया खाना, खाना हमने ऑर्डर कर दिया था होटल में सही, ठीक है जी। और वहाँ पर हो रही है अपनी DSLR की बैटरी चार्ज। सो अभी के लिए गुड नाइट, क्योंकि दिखाने के लिए अभी कुछ नहीं है। सो मॉर्निंग का क्या पता है ना, वो आप लोगों को पता लेगी जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो कर दीजिए लाइक इसी बात पर। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। देखिए खूबसूरत सा नज़ारा मॉर्निंग का, सामने वहाँ पर कुछ फॉग है, और फिलहाल सुबह का बज रहे हैं 9, और
अपना जो है टी टाइम है अभी, ब्रेकफास्ट ये देखिए, चाय सैंडविच और ये अपना मिथ, एंजॉय कर रहे हैं जी, आराम से खा रहे हैं। और आज अपना जो प्लान है वो है अटल टनल जाने का, हमें जो है परमिशन मिलती है तो देखते हैं, जो भी है जैसा भी आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में आप साथ में, ठीक है जी। अभी इसके बाद नहाते हैं धोते हैं, फ्रेश होकर निकलते हैं यहाँ से। मैं तो नहा धो के जी हो गया हूँ, एकदम रेडी निकलने के लिए। और ये देखिए रूम की हालत क्या है फिलहाल, आज रूम स्टाफ से बोलकर जो है इसके क्लीन कराएंगे, बिकॉज एक दिन रुकना तो बनता है इधर, और क्योंकि 700 साढ़े 700 किलोमीटर आए और अटल टनल नहीं देखा तो क्या देखा, इसलिए देखते हैं परमिशन मिलती है नहीं। अभी अमित नहा रहा है, उसके नहाने के बाद में जो है हमें इस बैग में सारा सामान डालेंगे जो जो हमने साथ में ले जाना है वहाँ पर, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, तो एक रेनकोट भी हमें अपने साथ जो है ले जाना पड़ेगा, और प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ जाना होगा वहाँ पर, कुछ क्योंकि कुछ भी हो सकता है जी, बारिश बारिश और फोगी भी मौसम हो रखा है ऊपर में, इतनी यहाँ पर ठंडी नहीं है, रात को ही ठंडी थी, अभी तो प्लेजेंट मौसम है, बिकॉज सूरज बहुत तेज़ी से निकला हुआ है, धूप खिली हुई है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है बस, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा है ना देखने का, व्यूज देखिए। हमने थोड़ी जो है ऊंचाई पर जो अपना होटल लिया है, और जो माल रोड है वे बिल्कुल वहाँ पर है, और हम हैं हिडिंबा देवी के बिल्कुल जस्ट नीचे साइड में, और अपनी बाइक नीचे पार्क है एंड बाइक में करते हैं चैन ल्यूब वगैरह जो भी है। और देख मुझे अभी बिल्कुल तैयार है, अपना बंदा भी आ गया बिल्कुल रेडी होके, और ये अपना एक बैग ये लेके जा रहे हैं, कैमरा बैग, हेलमेट, जैकेट एंड ये कैमरा हेलमेट, अभी सबको साथ में लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी चलते हैं अभी कर। जैकेट, शर्ट, कैप, हेलमेट हाथ में है। सर वो हाँ सर, रूम क्लीन करा दो गैस? हाँ सर, चाबी दे दे, चाबी दे दी, चाबी ऐसी चार दो दूसरी। हाँ सर, दूसरा भी दूसरी चाबी में सर, कल यार एक चाबी में जेम मिलर थे, एक बार रूम क्लीन करने के बोल दिया स्टाफ से। और ये खड़ी है अपनी ब्लैक ब्यूटी, तो बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है, अब इसको बीच वाले स्टैंड पे लगाएंगे और चैन क्लीन करते हैं। उधर जी अपनी बाइक जो कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, अभी निकलने की तैयारी। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ कोई भी हाइट वाली जगह हो टाइट होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। जिस डाल ली आज इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है पैर रखने में, इधर जाएगा फाइनल। ओके जी, तो यहाँ से ये ब्रिज को क्रॉस करते हुए नीचे से जा रही है ये शायद व्यास नदी, आई डोंट नो, पक्का पता नहीं ये जी व्यास नदी, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट लेफ्ट साइड, ये चल दिए हम रोहतांग की तरफ। अटल टनल जो है रोहतांग से है लगभग 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पहले, और यहाँ से है 32 किलोमीटर, जो हमें सीधा मिलाएगी अपने लाहौल स्पीति में जाकर। पहले वहाँ पर जाने के लिए हमें लगते थे 4 से 5 घंटे रोहतांग होकर जाते थे, तो अभी टाइम बहुत बच जाता है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कराएंगा। मैं 3-4 बार रोहतांग तो आ चुका हूँ, शायद 4 बार रोहतांग आ चुका हूँ, बट ये कुछ अलग ही अनुभव होने वाला है। रोहतांग पास तो बिल्कुल बंद है अभी,
क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ ज़्यादा है, वो पूरी ही मार्केट बन गई है यहाँ। यहाँ से ले लेते कुछ खाने का सामान, चॉकलेट वगैरह। भाई साहब यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं जिग जैग रोड, और पूरा सामने आपको बर्फ की पहाड़ी दिख रहा है, वहाँ तक ऐसे चलने वाले हैं। बीच में एक शायद हो सकता है वाटरफॉल भी हो, बट अभी काफ़ी माउंटेन रोड है पहले से, क्योंकि जब मैं आया था लास्ट टाइम तो इतना अच्छा नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा क्लीन एंड सेफ रोड आई, मज़ा आ गया बहुत बाइक चलाने में। और हल्की हल्की ठंडी लगना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज मनाली में था 4 डिग्री सेल्सियस और सारा दिन पर जाते जाते अटल टनल तक हो जाएगा ये माइनस में। वैसे बता कर रहा था फोन पर, माइनस फोन पर देखा था गूगल वगैरह का, सर -2, -3, -2 इन तीनों में से कोई एक टेम्परेचर तो मिलने वाला है। ऐसा मन कर रहा है भाई कैमरे बंद ना करूं, पूरे दिखाता चलूं, बस अगर मन भी चला जाएगा तो आप लोगों को भी जो है मज़ा नहीं आएगा, तो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो इसके लिए 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। जो ये गर्मी है पूरे साल ठंड है हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद में अब आएगा 4th पार्ट और 5th, तो चलते रहेंगे। भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत भाई आना एकदम, क्योंकि पहले सड़क खराब थी और अब एक नंबर भाई सड़क हो रही है सारी। भाई साहब चढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है, किलांग वैली आने वाली है यहाँ पर, भाई यही है। तो गाइस ये ब्लॉग काफी लंबा हो गया होगा, इस ब्लॉग पर यही दो विराम देते हैं किलांग वैली में। तो मिलते हैं आपके विराम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब, ऐसा ही पार्ट आते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, मतलब पार्ट 4, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अटल टनल, अगर सही सलामत पहुँच जाए तो वहाँ तक, किसी ने रखा नहीं है।